पर देखो भाई दूसरा तरफ भयानक खाई है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो एकदम नीचे, बहुत भयानक, बहुत भयानक भाई। निकल जाए, निकाला। देखिए ये लोग जान से अपना खेल रहे हैं, ट्रेन आने वाला है तब भी पार करने में लगे हुए हैं भाई साहब लोग। सो गाइस ऑल सेट और हम लोग निकलते हैं डिप्स होटल। इधर देख लीजिए रेस्टोरेंट, और उसके सामने में ये होटल है, देख लीजिए। ये होटल से अभी हम लोग नाश्ता पैक करवा लिए हैं, रोटी तरकारी जो सब्जी होता है, मटर और छोला का होता है, और अंडा ऑमलेट। सो निकलते हैं, चलिए। संजय भाई आ गए हैं और ये हम लोग का कार रहा जॉनसन द, चलिए मैं पॉन कर लेता हूँ। यहाँ से रक्सौल बॉर्डर 141 किलोमीटर बता रहा है, देख लीजिए। तेल भी लेना है, कहीं आगे भरवाएंगे तेल, और बिहार से थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा। बिहार से पहले, फिर बॉर्डर से पहले एक सोचेंगे हम लोग तेल फुल टंकी करवा ले, क्योंकि बिहार में तेल बहुत महंगा है इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो। टाइम हो गया 8:40, 8:40 हो चुका है इंडियन टाइम। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वांडरलस्ट अनुज, एंड सबको जोहार और कैसन बा, ठीक बान हूँ। संजय भाई का बाइक चमक रहा है, वो कल ही वॉश करवाए यहाँ पे, मेरा तो, मैं तो नहीं वॉश करवाया, देखिए। सो अभी गाइज आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना घर, अपना अपना देश जा रहे हैं झारखंड, और अभी काठमांडू से निकले हैं। 2:30 बजे बता रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे रक्सौल। सो देखते हैं कितना बजे पहुँचते हैं बीच में, क्योंकि रुकेंगे नाश्ता वास्ता करने। नाश्ता हम लोग पैक करवा लिए हैं, और अभी आप देख रहे हैं द कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू। आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर लास्ट सीरीज नहीं देखे हैं, लास्ट पार्ट सब नहीं देखे हैं, जाके देखिए, काफी मजा आने वाला है आप लोगों को मुस्तांग राइड का। और हम लोग झारखंड से फर्स्ट राइडर हैं जो मुस्तांग राइड कंप्लीट किए हैं भाई लोग। और ये शहर आके ऐसा लगा कि मैं अपना रांची में ही हूँ, ऐसा नहीं लगा कि बाहर में हूँ। यहाँ से लेफ्ट जाना है भाई। देखो भाई लोग सीन तो जबरदस्त है, पर रोड उतना अच्छा नहीं है। हम काठमांडू से निकले हैं पर रोड अभी तक अच्छा रोड नहीं मिला है, देखिए रोड का हालत बहुत खराब है। सो गाइस आगे देखिए एक डुप 390 जाता हुआ। सो नेपाल में 390 का प्राइस 7-8 लाख के करीब पड़ेगा यहाँ पे। भाई यहाँ से जो नजारा है माशा अल्लाह है भाई, माशा अल्लाह। गाइस आज भी भयानक वाला ऑफ रोड हो जा रहा है, आज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफ रोड मिलेगा, पर रोड अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो रास्ता से पोखरा से काठमांडू घुसे थे वो रास्ता से भी नहीं जा रहे हैं, दूसरा रास्ता दिखाया, इसलिए हम लोग काठमांडू से रक्सौल वाला दूसरा रास्ता पकड़े हैं। पर देखो भाई दूसरा तरफ भयानक खाई है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो एकदम नीचे,
संजय भाई आगे जाते हुए देख लीजिए, ये नजारा भाई भयानक, इधर देख रहे हो खाई है भयानक, एक गलती सीधे नीचे। देख भाई इधर पहाड़ देख लो, मस्त एकदम। हम लोग जो झुलुक गए थे सिक्किम, झुलुक गए थे, झुलुक का घाटी भी पूरा ऐसे ही दिख रहा था एकदम, लेकिन वहाँ इतना फॉगी था कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। देख अभी ऐसे देखिए भाई लोग, ऐसे जाना है, सोच रहा हूँ अब घाटी खत्म होगा, हो ही नहीं रहा है, कितना लंबा घाटी है पापा। हेबी 0 किलोमीटर हेबी पहुंच गए, हेबी। जबरदस्त घाटी है भाई लोग, जबरदस्त एकदम, पूरा खड़ा चढ़ाई है और अभी हम लोग उतर रहे हैं तो वैसा ही है, और डबल गाड़ी आता है तो बाप कैसे ये लोग पार करते हैं। जॉनसन दा कैसे अपना कार लाएंगे देखिए क्योंकि सिंगल रास्ता है, बहुत दो गाड़ी आ जाता है तो बहुत संभल के पार करना पड़ता है। बहुत भयानक भाई, बिहार का गाड़ी है देखो अपना। तो भाई ये छोटा सा ब्रिज जो है चीसा पानी ब्रिज, अब तो लग रहा भाई घाटी खत्म हुआ देख भाई हम लोग वो पहाड़ जो दिख रहा है ऐसे एकदम भयानक वाला घाटी था सच में। संजय भाई अभी भी पीछे हैं और जॉनसन दा लोग का आता पता नहीं, वो लोग तो कार से आ रहे हैं तो और लेट हो गए उन लोग का। संजय भाई भी नहीं दिख रहे हैं, भूख भी लग गया है, हम लोग का नाश्ता भी कार में है यार, क्या करें। 2 hours 29 minutes 80 किलोमीटर और है रक्सौल बॉर्डर, अब रास्ता सीधा है, अब टर्निंग नहीं है। घाटी कैसा रहा संजय भाई? बहुत मस्त, और इतना सुंदर दिखा ना कि देखिए यही पहाड़ दिख रहा है, देखिए सामने यही पहाड़ है, अभी हम लोग उतर के आए हैं। जॉनसन दा लोग का आता पता कुछ नहीं है, हम लोग सोचे भूख लग रहा, चलिए यहाँ कुछ खा लेते हैं, ऑर्डर देखते हैं क्या क्या है यहाँ मिलता है, फिर निकलते हैं क्योंकि 12 बज गया, सुबह से कुछ खाए नहीं। हम लोग का खाना भी जो रोटी पैक करवाए थे गाड़ी में है, पर उन लोग के पास फ़ोन भी नहीं है, दोनों सिम हम ही लोग के पास है। यहीं पर हम लोग खाना खा रहे थे और जॉनसन दा लोग भी एक घंटा बाद पहुंचे, हम लोग 12 बजे यहाँ पहुंचे थे और जॉनसन दा लोग 1 बजे पहुंचे, वेट किए तो एक गाड़ी हमको दिख रहा था घाटी में हरा रंग का, तो गाड़ी आ गया है देख लीजिए। तो अभी हम लोग जो खाना बनवाए थे देखिए, रोटी ऑमलेट चना, कैसा लगा बताइए? बहुत मस्त घाटी है। आप तो पहली बार चलाए, मतलब हम लोग तो उधर चलाए थे मुस्तांग तरफ, तो पहली बार चलाए पर बहुत खुशी लगा, इतना अच्छा चैलेंज फेस करके, बस खाना है और नाश्ता है फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। अभी हाँ टोंडा ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या पता है। हाँ टोंडा पहुँच गए हैं अभी और यहाँ से सीधे जाना है बीरगंज के लिए,
शायद पोखरा के लिए हम लोग यहाँ से राइट मुड़े, उधर से आए थे तो लेफ्ट मुड़े थे, पता नहीं। पर हटोंडा हम लोग आए थे, हटोंडा से ही पोखरा के लिए हम लोग निकले थे। फिर सो गाइस, काठमांडू से चले थे 2 घंटा में, अभी तक रिजर्व नहीं लगा है, फिर भी थोड़ा देर में आप बॉर्डर पार करेंगे। सो तेल ले लेते हैं, लास्ट तेल इन नेपाल 105.50 रुपया है नेपाल करेंसी, 1100 का तेल आया 10 लीटर। देख भाई लोग, फिर से पहुंच गए हैं बीरगंज। शाम के 4 बजे पहुंचे हैं भाई लोग, और यहाँ पर भाई लोग हम लोग भटक गए थे। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिए, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और ये आज हम लोग का रहा 10वां दिन रहा नेपाल में, और 11वां दिन हम लोग अपने घर से निकले हुए, और आज हम लोग का भंसार का भी लास्ट डे है। सो बस बॉर्डर 6 किलोमीटर और है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, उसके बाद भाई लोग अपना देश पहुँच जाएंगे। सो आज तो हम लोग झारखंड नहीं पहुँच पाएंगे, आज कहीं बिहार में देखेंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पैसा भी, करेंसी भी एक्सचेंज करवाना है, कितना टाइम लगता है उसके बाद हम लोग देखेंगे, डिसाइड करेंगे। सो संजय भाई, हम लोग का गाड़ी और मैं, बस कुछ फिर उसके बाद हम लोग इंडिया में क्रॉस कर जाएंगे। देखिए बॉर्डर दिख रहा है यहाँ से, ये रहा नेपाल, और आगे जो देख रहे हैं वो रहा इंडिया। ये करेंसी चेंज कराना है, हम अपने भूल गए थे। सो गाइस, हम लोग एक्साइटमेंट में बॉर्डर क्रॉस करने में करेंसी चेंज कराने ही भूल गए, तो शायद फिर से बैक जाना पड़ेगा। देखिए गाइस, फिर घुस रहे हम लोग बॉर्डर में, फिर जा रहे नेपाल, करेंसी चेंज करने भूल गए थे। देखो भाई लोग, अपना करेंसी वापस देख के बहुत अच्छा लगा, इंडियन करेंसी, बाबा मजा पार हो गए थे। उसके बाद अभी हम लोग का पास 16,000 रुपया था नेपाली करेंसी, उसको एक्सचेंज किए तो प्रत्येक 100 रुपया में ये लोग 3 रुपया नेपाली करेंसी काटे हैं। तो मान लीजिए हम 100 रुपया दे रहे हैं तो ये लोग 3 रुपया काटे हैं। सो चलिए अपना देश आगे, पर वो काफ़ी है, ज़्यादा अच्छा लगा। देखो भाई लोग, रक्सौल रेलवे क्रॉसिंग है, रक्सौल स्टेशन शायद इधर है या इधर, नहीं पता। सो देखिए यहाँ सब कोई नियम कानून नहीं है, भाई कैसे पार कर रहे हैं, थोड़ा देर वेट कर लेंगे तो क्या पता क्या हो जाएगा। वो भाई साहब तो उधर से देखे, उधर से फंदा के जा रहे, वाह वाह, ये लोग तो इधर से लगे हुए हैं, देख लीजिए, वाह वाह, ये पार करेंगे दही, निकल जाए निकाला। देखिए ये लोग जान से अपना खेल रहे हैं, ट्रेन आने वाला है तब भी पार करने में लगे हुए हैं भाई साहब लोग, देखिए। सो गाइस देख लीजिए, मोतिहारी 52 किलोमीटर है और मुजफ्फरपुर 137 किलोमीटर यहाँ बता रहा है। अभी सबसे पहले जो मेरे को करना है, सिम लगाना है मोबाइल पर, इंडियन सिम, जियो, एयरटेल, जो भी है मेरे पास। सिम लगाने के बाद घर में बात हो गया पापा से, काफ़ी अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा और मेरे को भी अच्छा लगा। 6-7 दिन से बात नहीं किया था क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था, हम लोग मुस्तांग गए थे उधर एनसेल का नेटवर्क नहीं पकड़ता था, होटल से वाईफाई भी मिला था तो कॉल नहीं होता था, मतलब नेट स्लो था। सो चलिए घर में बात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा, पापा लोगों को भी चिंता हो रहा था। सो गाइस अभी का आज का प्लानिंग है कि आज हम लोग जैसे आते वक्त हम लोग मोतिहारी में रुके थे तो आज भी हम लोग मोतिहारी में ही रुकेंगे। सो क्योंकि मुजफ्फरपुर यहाँ से 4 घंटा 3.5 घंटा बता रहा है लगेगा एस्टिमेट टाइम, तो 9 बज जाएगा आराम से।
सो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं होटल मोतिहारी, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भाई मोतिहारी पहुंच गए हैं और जगमग जगमग लाइट सब जो देख रहे हैं सब मोतिहारी का है। और बहुत बिजी है ये रास्ता क्योंकि होटल एक ओयो में देखे हैं, यही होटल यही रास्ता में ले जा रहा है, तो इसलिए इधर से ही जा रहे हैं हम लोग। सो गाइस हम लोग मोतिहारी पहुंच गए हैं और होटल ले लिए हैं, देख सकते हैं ये होटल का नज़ारा है। और दो रूम लिया है हम लोगों को, पड़ा दो रूम 1000 रुपया पड़ा, बहुत मुश्किल से मिला ये रूम, काफ़ी खोजे फिर तब ये मिला, मतलब 5500 रूम का ईच पड़ा। सो अभी आज हम लोग टोटल कवर किए काठमांडू से मोतिहारी आए, टोटल आज हम लोग कवर किए 200 किलोमीटर के लगभग कवर किए आज हम लोग, जिसमें से काठमांडू से 60-70 किलोमीटर पूरा भयानक वाला घाटी था, आप लोग को पता होगा और देखे होंगे भयानक घाटी था। और कहीं कहीं हम लोग जब चल रहे थे तो हम लोग को मुस्तांग वाला याद आ जा रहा था। अरे बाप, चलिए अंदर ले चलते हैं होटल का, देखिए बैठा हुआ है। सो गाइज हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, फ्रेश हो गया है, टाइम हो गया 9:30 और अभी बस सोने का तैयारी है। कल सुबह हम लोग सोचेंगे कि कल से जल्दी 4 या 5 बजे हम लोग निकल जाए या 6 बजे तक निकल जाए रांची के लिए। रांची यहाँ से अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास है, तो 12 घंटा अराउंड हम लोग को लग ही जाएगा, बीच में खाना वाना के लिए कहीं रुकेंगे 13-14 घंटा लग ही जाएगा। तो इसलिए अगर 12 घंटा भी लगता है सुबह 6 बजे निकलते तो 6 बजे शाम तक पहुँच जाएंगे या 7 बजे तक, 7-8 बजे तक। अगर आप पूरा नेपाल ट्रिप का पूरा सीरीज को नहीं देखे तो जाके देखिए, बहुत आप लोग को एंजॉय आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के राइड पर, हम मेरा ही प्यार के फिर मिलते हैं चलते चलते करके सफ़र में, मतलब अपने घर के सफ़र में। बाय बाय, लव यू गाइज।